हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में MIUI की 13 की गैलरी को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास यहाँ पे MIUI के 13 का गैलरी ऐप ऑफिशियली लीक्ड हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको MIUI की 13 की गैलरी ऐप में कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा YT चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब अपनी MIUI के 13 की गैलरी ऐप को ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पे सेम UI देखने के लिए मिलता है फ़ोटोज़ और एल्बम्स का, और उसके साइड में हमें 3 डॉट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ तक हमें ये बिल्कुल सेम टू सेम ही देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप जब इसमें सबसे नीचे की साइड में देखते हैं तो आपको इसमें ऑल का ऑप्शन और आपको इसमें कैमरे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको पहले वाली गैलरी के लेटेस्ट के अपडेट में देखने के लिए मिल गया था कि आपने इसमें कैमरे में कौन कौन सी फ़ोटोज़ खींची थी। तो आपका यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसमें और क्या न्यू फीचर्स मिलते हैं। तो आप जब इसमें 3 डॉट्स में टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, और जब आप यहाँ पे सेटिंग्स पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे सेम UI मिलता है। बट जब आप इसमें स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे गैलरी मैप का एक न्यू ऑप्शन मिल जाता है, गैलरी मैप की प्राइवेसी पॉलिसी। तो आप जब इस वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो फिर आपका ये क्रोम में ओपन हो जाता है और आपकी इसमें बेदू की साइट ओपन हो जाती है। और मैं आपको बता दूँ कि बेदू एक चाइनीज़ ऐप है, तो इसलिए ये वाली साइट में भी आपके मोबाइल में ओपन रहा हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। तो आप जब इसमें 3 डॉट्स पे टैप करते हैं तो आपको इसमें एक मैप का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जब इसमें मैप पे टैप करते हैं तो आपकी इसमें ये मैप का आखिर क्या वह करता है मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने एक फ़ोटो कहीं पर ली है, तो फिर आप जब इसमें मैप पे टैप करते हैं तो फिर ये मैप की लोकेशन में आपको बता देता है कि आपने वो वाली फ़ोटोज़ आखिर कहाँ पे ली थी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे दे देता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको मैप को यूज़ करने के लिए आपको गूगल मैप्स की नीड पड़ सकती है, तो आपको प्ले स्टोर से गूगल मैप्स को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। तो आप देखेंगे मेरा इसमें ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, फिर भी मुझे यहाँ पे ये एरर देखने के लिए मिल रहा है। जब मैं इस पे मैप पे टैप करता हूँ तो मेरा ये यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक स्पेस ही ओपन हो जाता है। तो इस वाले वर्जन में हमें ये वाला एक बग भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये वाला बग हमें नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि आपको इसमें ये वाला बग भी देखने के लिए मिल जाता है और आपको इसमें ये मैप के भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें इसमें और क्या न्यू फीचर मिलते हैं गैलरी के MIUI के 13 की गैलरी एप्लीकेशन में। तो आप मान लीजिए कि आप एक होम स्क्रीन में अपना कोई सा भी एक स्क्रीन शॉट को लेते हैं, तो फिर आप जब यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर भी न्यू UI देखने के लिए मिल जाता है, सेंड का, क्लिक का, और इसके साइड में आपको ये डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है, और आपको यहाँ पे सबसे नीचे ये पेंट ब्रश के भी ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको इसमें किस तरीके से कौन से कलर को आपको इसमें यूज़ करना है वगैरह वगैरह। तो आपको इसमें ये सारे आपको इसमें न्यू UI देखने के लिए मिल जाते हैं फाइनली। और आपको इसमें यहाँ पे टेक्स्ट का भी यहीं पर ही ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला गैलरी का एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि इसमें हमें ये सारे न्यू UI और न्यू लेआउट हमें इसमें दे दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो कि आप अपने किसी भी Xiaomi के मॉडल में ये MIUI के 13 की गैलरी एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको इस वाली एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉयड 11 की नीड पड़ेगी, क्योंकि ये वाली एप्लीकेशन ग्लोबल की रोम और इंडिया की रोम में
एंड्रॉयड 11 की नीड पड़ेगी, और बाकी ये अगर आप चाइना की रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको एंड्रॉयड 10 में ही डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाई टी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाई टी चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।